गुड मॉर्निंग बच्चों, डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास वन में लेसन सिक्स कुलदीप थ्री ये चैप्टर को मैंने अभी इससे पहले वीडियो में मैं करवाई हूँ। स्टूडेंट आप मैं इसका जो कुछ वर्क है उसको मैं इस वीडियो में करवा रही हूँ। डियर स्टूडेंट आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले आपके बुक में ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स, द मैंगो ट्री इज इन कुलदीप स्कूल। कुलदीप के स्कूल में मैंगो का पेड़ था? नहीं, वो कहाँ था? उसके बाद गार्डन में था, तो ये फॉल्स हो गया। देयर आर मैंगोज और ईट इन समर, यस समर के दिनों में ही क्या होता है, मैंगो होता है। कुलदीप लाइक टू प्ले अंडर द ट्री, कुलदीप पेड़ के अंदर के नीचे खेलना पसंद करता था। यस सी क्लाइंब द ट्री एंड पिक ग्रीन लीव्स, नहीं वो पेड़ पर चढ़ा था लेकिन वह ग्रीन मैंगो पिक कर रहा था, लीव्स नहीं। ओके कुलदीप हाइड इन द मैंगो ट्री, हाँ कुलदीप जो है मैंगो ट्री के पीछे तो सही है। और ऑल हर फ्रेंड क्लाइंब ऑन टू द ट्री, सारे दोस्त उसके पेड़ पर चढ़ गए थे, नहीं फॉल्स। ओके स्टूडेंट तो आप पेज नंबर 76 निकालेंगे और ट्रू फॉल्स इस वीडियो को देखते हुए आप अपने बुक में ट्रू फॉल्स भरेंगे। ओके बच्चों इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन है टू का ए का आंसर, व्हाई डज कुलदीप ईट हर लंच अंडर द ट्री एंड नॉट इनसाइड द हाउस, है तो आप इसका आंसर लिखिए, देयर आर बिकॉज देयर इज नो स्कूल, क्योंकि उस दिनों स्कूल नहीं था, तो बिकॉज देयर इज नो स्कूल, इस ट्रेंड क्योंकि आम जो है गर्मी के दिनों में फलता है और उन दिनों गर्मी छुट्टी रहती है, तो इसमें बिकॉज देयर इज नो स्कूल क्योंकि उन दिनों उनका स्कूल नहीं था। क्वेश्चन नंबर टू है, Why do you think there are no mangoes on the tree after the children climbed up? इसका आंसर भी लिखिए, because Kuldeep picked up on the mango. ठीक है तो आपका इस तरह से फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में टू फॉल्स था और सेकंड के ए और बी में जो क्वेश्चन आंसर था मैंने उसको करवा दिया। अब आप पेज नंबर 77 में देखिए कि क्या कर रहा है, रीअरेंज द लेटर, आप जो यहाँ लेटर दिया हुआ है उसको अरेंज करना है। टू के ए में है ए बी प्लांट और यहाँ कुछ लेटर दिया है उसको अरेंज करके लिखना है, अगर आप उसको अरेंज करते हैं तो
तो नया वर्ड तैयार होता है वो है ट्री। ओके स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर बी में है, यू गो हेयर इन द आफ्टर नून। इसमें भी कुछ वर्ड दिए हुए हैं, वी गो टू हेयर, सॉरी बच्चों यहां देखो गई, यू गो हेयर टू स्टडी, हम पढ़ने के लिए यहाँ जाते हैं, वो कौन सा जगह है, आप उसमें लेटर को अरेंज करेंगे तो मिल जाएगा स्कूल। अब सी में यू एट दिस इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून तो ये बन जाएगा लंच। इसे इस लेटर को जब आप अरेंज करोगे तो मेरा लंच जो है एक वर्ड बन गया लंच। हाँ, वी ईट इन दी आफ्टरनून, दोपहर में हम क्या खाते हैं तो लंच करते हैं। द हॉट सीजन, हॉट सीजन क्या होता है, समर होता है, आप इसमें समर भरेंगे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर ई में, नो सेट, इसमें आप क्या करेंगे, हैप्पी। ओके, और क्वेश्चन नंबर एफ में है, यू लिव इन दिस हाउस, एच ओ यू एन ई। तो ये स्टूडेंट आपने देखा कि जब मैं सारे लेटर को अरेंज की तो किस तरह से वर्ड बन गया, तो ए बी स्टार थ्री, यू गो हेयर टू स्टडी स्कूल, यू ईट दिस इन द आफ्टरनून लंच, द हॉट सीजन समर, नॉट सेट हैप्पी, यू लिव इन दिस हाउस। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स और रीअरेंज द लेटर हो गया। अब मैं इसके आगे जो वर्ड है उसको मैं दबा रही हूँ, आप ध्यान देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन पेज नंबर 78 में, विच इज द करेक्ट अंडरलाइन द करेक्ट प्ले वन हैज बीन डन फॉर यू। हाँ, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू का ए में, वन बुक्स और वन बुक, इसमें कौन सा वर्ड सही है उसके अंदर अंडरलाइन करना है। तो आप देखिए, वन बुक्स और वन बुक, बी में 20 गर्ल्स और 20 गर्ल, तो 20 गर्ल्स, सिक्स कैट और सिक्स कैट्स, वन चाइल्ड
one child or one children? Huh? Children, they are. It's for the children. Two train or two names or four wives. Yeah.